देखिए चौड़ाई में लिया 23 इंच और लंबाई में लिया 56 इंच। 2.5 इंच छोड़ना है पहले, 2.5 इंच छोड़ के फिर आधा आधा इंच का निशान लगाना है। इस साइड भी देखिए ऐसा आधा आधा इंच पे निशान लगाया। लगाने के बाद फिर इस साइड भी ऐसे करके आधा आधा इंच करके पकड़ के फिर निशान लगाना है। फिर ऐसे बॉक्स बनेगा। तो आधा आधा इंच का ये बॉक्स बनाया, फिर 2.5 इंच छोड़ा, फिर 7 इंच छोड़ा, फिर 2.5 इंच, फिर आधा आधा इंच का बॉक्स बनाया, फिर 2.5 इंच छोड़ा। और इधर लड्डू बनाने के लिए 3 इंच छोड़ के निशान लगाया, इसमें लड्डू बनेगा। अभी देखिए ये लाइन छोड़ना है, छोड़ के इधर सही से निशान लगाना है। ऐसे करके लाइन पूरा कंप्लीट करना है। फिर इधर साइड से देखिए इस साइड कंप्लीट कर लिया। अभी इसी साइड में भी ऐसे ही करना है। पहले ऐसे सेम जैसे इस साइड बनाए इस साइड भी ऐसे ही बनाना है। देखिए इस साइड भी मैं कंप्लीट कर लिया है। और इधर जो लड्डू बनेगा इधर तो 7 मीटर छोड़ दिया, और अभी ये जो लाइन है ये बॉक्स बनेगा अभी लड्डू बनाने के लिए, तो ये 3 मीटर लंबा होगा।
ऐसे करके लाइन पूरा सिलना है। फिर सेकंड लाइन में देखिए, लाइन भी ऐसे सिलना है। थर्ड लाइन, तो देखिए सेम तरीके से पूरा सिलना है। मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। अभी लड्डू बनाना है। लड्डू बनाने के लिए मैं थोड़ा बीट्स इस्तेमाल करूँगी। देखिए बीच में आने के बाद जब सुई को नीचे की तरफ लेके जाऊंगी तब इधर बीट्स डाल के फिर दूसरे साइड उठाना है। देखिए ऐसे करके लेके आना है। देखिए अभी इसको ऐसे खींच के नॉट लगाना है। और एक दिखाती हूँ। देखिए बीच में आने के बाद देखिए लड्डू ऐसे बनेगा। तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने पूरा लड्डू बना लिया। बनाने के बाद इधर से ऐसे करके सिल लिया। देखिए ये कपड़ा को इधर जहाँ जहाँ फोल्ड हुआ है उसको ऐसे पकड़ के ऐसे सिलना है। फिर ऐसे सिलना है, ऐसे फोल्ड फोल्ड में ऐसे ही सिलना है पूरा।
तो मैं ऐसे राउंड करके पूरा सिल लेती हूँ। देखिए इस साइड भी ऐसे ही सिल लिया। देखिए लड्डू में रुई भरने के बाद इधर से लेके ऐसे देखिए लड्डू वाला कुशन पूरा कंप्लीट हो गया।